सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी चैनल को और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। गाइस हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हमने सम करना है और वो भी बाई कलर के हिसाब से अगर हमने सम करना है तो किस प्रकार करेंगे। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ और काउंट इफ। ये हम पहले भी सिखा चुके हैं लेकिन नया क्या है, इसमें सम इफ और काउंट इफ भी करेंगे बाई कलर के अकॉर्डिंग। अगर हमने सम इफ या काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है तो किस प्रकार लगाएंगे, वो भी बिना VBA कोड के। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो आइए सीखते हैं। देखिए जैसा कि टेबल में आप देख रहे हैं, मैंने ले लिए हैं एम्प्लॉय के नेम, जो भी सेल्समैन मान लेते हैं हम, सेल्समैन हो गए हमारे, और ये उनकी सेल हो गई। अब यहाँ पे अगर हमने लिखा हुआ है कि सेल किसकी एवरेज सेल है, किसकी पुअर है, किसकी गुड सेल है, किसकी एक्सीलेंट सेल है, अगर हमने इस तरह लिखा हुआ है, एक कॉलम हमारे पास है, तो हमको काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हमने इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है, इसको हम इग्नोर कर देते, मान लीजिए नहीं, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। अगर आपने काउंट इफ के फंक्शन नहीं सीखे हैं तो मैंने वीडियो डाला हुआ है काउंट इफ, सम इफ या काउंट इफ्स या सम इफ्स, वो देखें, उसमें कंप्लीट सीखेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक्सेल की प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जब हमने कुछ इस तरह का कोई कॉलम नहीं ले रखा है और फिर हमने यहाँ पे एवरेज, पुअर और एक्सीलेंट सेल देखनी है, तो हमने उनके कलर डाल दिए, भाई जो ग्रीन कलर है वो एक्सीलेंट सेल मान लेते हैं और स्काई ब्लू का है वो हमारी गुड सेल हो गई, ये एवरेज सेल हो गई और रेड वाला हो गया हमारी पुअर सेल हो गई। अब हमने देखना कि पुअर सेल कितने एम्प्लॉय ने करी है या एवरेज सेल में कितने हैं या एक्सीलेंट सेल जो हुई है वो कितने एम्प्लॉय ने करी, इस प्रकार हमने काउंट करना है। तो हम काउंट करेंगे उनको कलर के हिसाब से, कलर के हिसाब से सम करना हमने बताया था लास्ट वीडियो में, अब हम करेंगे काउंट करना उनको। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे काउंट इफ का फंक्शन, और अगर हमने उन सेल को जोड़ना है, भाई टोटल एक्सीलेंट जो सेल हुई है टोटल कितनी सेल हुई है, तो हम यूज करेंगे सम इफ का फंक्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक कोई भी हम टेम्परेरी सेल ले लेते हैं, टेम्परेरी सेल ले लिया हमने, हम चले जाएंगे फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला के अंदर मिलेगा आपको नेम मैनेजर, यहां पे चले जाएंगे न्यू के ऊपर और यहां अपने फॉर्मूले का नाम डाल देंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे डाल देता हूं COL, ओके मैंने ये डाल दिया। और अब यहां पे रेफरेंस देना हमने, इस फॉर्मूले को तो हम पूरा यहां से हटा देंगे और यहां पे हम लिखेंगे गेट डॉट सेल, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमने देना यहां पे इंडेक्स। और इंडेक्स के अंदर मैं आपको बता दूं, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कलर्स की, वो कलर्स का डिफॉल्ट होता है एक्सेल के अंदर 38, तो हम यहां पे लिखेंगे 38, ये हो जाएगा हमारा इंडेक्स। कोमा यूज करेंगे और अब देना है हमने मैच, किससे मैच कराना है वो हम ले लेते हैं, भाई ये हमने इस कलर से मैच कराना है, ये सेल हमने ले लिया। अब यहां पे देख रहे हो ये सेल फिक्स हो गया, लॉक हो रहा है, हमने लॉक नहीं करना, नीचे तक रीड कराना है। तो क्या करेंगे, ये जो डॉलर के आइकन है इसको हम हटा देंगे, यहां से मैं इस डॉलर को हटा देता हूं और इस डॉलर को हटा देता हूं, ठीक है। और यहां पे हम कर देंगे ब्रैकेट को बंद और करेंगे ओके, ठीक है, ये हमारा बन गया, न्यू नेम मैनेजर हो गया ना रेडी, ये फॉर्मूला दिखा रहा है और क्लोज कर देंगे। अब यहां पे हमने करना है इज इक्वल टू COL, देखो यहां पे आ गया ना, ये ऊपर दिखा रहा है COL बस, और सीधा एंटर यूज कर लेंगे यहां पे, देखो ये दिखा रहा है यहां पे तीन नंबर, यानी कि जो रेड कलर है इसको बाय डिफॉल्ट अब तीन नंबर से रीड करेगा। अब नीचे तक हम इसको देखते हैं डाल के, तो सभी कलर्स के यहाँ पे नंबर इसने ऑटोमेटिक रीड कर लिए। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने ये वाला कॉलम लिया है, ये यहाँ से कितनी दूर लिया है हमने, हमने एक दो तीसरे नंबर पे लिया है ना, इस चीज का खास ध्यान रखना है आपने। और इसका ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि जब भी हम अब काउंट इफ का या सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां पे जब क्राइटेरिया डालेंगे ये वाला, तो ये ऑटोमेटिक रीड करेगा और क्राइटेरिया को उस सेल से जहां पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उससे तीसरे नंबर्स पे रीड करेगा ये। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमने बीच में एक एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम और डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें ये गैप हो गया, इसको मैं नो कलर कर देता हूँ,
तो अब जब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इसको ऑटोमेटिक रीड करेगा। तो ये ध्यान रहे आप ये जहाँ पे लगा रहे हैं वो कलर के में और उस फॉर्मूले के अंदर उतना डिफरेंस होना जरूरी है। या तो हम ये फॉर्मूला इसके तुरंत बाद यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे गैप डाल के, है ना, तो उसके साथ आ जाएगा। अब हमने ये गैप डाल दिया तो देखो एक बार मैं दिखाता हूँ, ये भी बताता हूँ और फिर वो जो डिस्टेंस है उसको भी मैं क्लियर करूंगा। अभी पहले फॉर्मूला लगाते हैं हम, यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देखना अब ये ऑटोमेटिक इसको रीड करेगा। सबसे पहले रेंज, रेंज के अंदर हमने ये रेंज ले लेनी है जो हमने कलर कोड यहाँ पे लिए थे। इसको लॉक करना चाहें लॉक कर सकते हैं, या नहीं करना चाहें मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, F4 दबाएंगे तो लॉक हो जाएगा। कोमा यूज करेंगे और क्राइटेरिया के अंदर हमने ये क्राइटेरिया लेना है तो इस पर क्लिक नहीं करेंगे। देखना यहाँ पे मैं उसका नाम लिखता हूँ, उसका नाम था COL था ना, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया ना, यहाँ पे आ भी गया। देखो फिर से ध्यान से देखना, मैंने इसको हटा दिया, अब ये सेल नॉर्मल है। मैं यहाँ पे लिखूंगा COL, जैसे लिखता हूँ ये सेल हाईलाइट हो रहा है ना, इसका मतलब ये क्राइटेरिया इसने ऑटोमेटिक उठाया। ब्रैकेट बंद करेंगे अब खाली और एंटर यूज करेंगे तो ये ग्रीन कलर जो है ये सिर्फ एक्सेलेंट का जो हमारा सैम्पल था वो एक ही काउंट कर रहा है। देखो इस रेंज में एक ही है ना, इस फॉर्मूले को नीचे तक अब हम ड्रैग कर लेंगे। करेक्ट, ऐसे ही एक बार सम इफ का भी लगा कर देख लेते हैं। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, रेंज के अंदर हमने यही वाली रेंज डाल देनी है, लॉक कर देंगे, कोमा यूज करेंगे, क्राइटेरिया वही COL, जैसे हमने COL किया ये वाला सेल हाईलाइट हो गया, कोमा यूज करेंगे, सम रेंज, सम रेंज के अंदर हमारी ये वाली रेंज आ जाएगी जिनका हमने सम करना है। ओके, अब ब्रैकेट बंद करेंगे या फिर इसको भी हम लॉक कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर यूज करेंगे। तो ये उनका सम करके दिखा रहा है, जैसे ग्रीन कलर का था जो एक्सीलेंट है वो 3501 ही है ना, इसको भी हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो ये जैसे रेड का है टोटल 11100 दिखा रहा है, हम रेड के एक बार चेंज करते हैं, रेड का मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 10 और यहाँ पे मैं करता हूँ 10 और यहाँ भी करता हूँ 10। ठीक है, रेड के तीन ही काउंट करे थे, तीनों का जोड़ 30 हो गया। अब मैं वो कंडीशन बताता हूँ कि ये गैप क्या है। देखो अभी हमने यहाँ पे लगाया था, अब हम लगाते हैं यहाँ पे या फिर और दूर करते हैं, फिर देखते हैं सेल कौन सा लेता है डिफॉल्ट। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम फिर से नेम मैनेजर में जाएंगे और एक नया नेम मैनेजर ले लेते हैं, इस बार हम मैं कर लेता हूँ CCC के नाम से और फॉर्मूला उसी प्रकार हम ऐड करेंगे, गेट डॉट सेल ब्रैकेट स्टार्ट और 38 हमने ले लिया था इंडेक्स, कोमा मैच, देखो इससे ही मैच कराया था ना, यही मैच कराएंगे। ये डॉलर आइकन हटा देते हैं यहाँ से, हम ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और ओके, और इसको भी ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू CCC हमने लिया था और एंटर यूज कर लेंगे तो यहाँ भी वो काउंटिंग दिखाएगा सेम टू सेम, और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। अब बाय द वे हमने मान लो यहाँ पे कलर मैं उठा लेता हूँ ये और यहाँ पे रख देता हूँ कलर को यहाँ पे, और यूज करेंगे काउंट इफ का ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले रेंज, हमने रेंज ये वाली लेनी है ना, कोमा यूज करेंगे और यहाँ पे करेंगे CCC। तो देखो CCC हमने किया तो ये यहाँ इस वाले सेल को हाईलाइट कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7वां कॉलम है। तो इसी प्रकार जब यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7वां कॉलम ये ले रहा है ना। अगर हम ये रेंज अब यहाँ पे CCC ना दे करके, क्योंकि CCC वाला हमने ये लिया था, यहाँ पे हम देते हैं COL, तो अब ये देखो उससे तीसरी रेंज यहाँ से ना 1 और 2, ये दूसरी रेंज यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है सेल को, क्योंकि ये यहाँ से 1 और दूसरी रेंज पे ये था। लेकिन आ गया ना समझ में, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, देखो फिर से बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम और बना लूँ, यहाँ पे मैंने एक कॉलम और बना लिया और इसको मैं कर देता हूँ नो कलर के हिसाब से, इसको नो कलर कर दिया मैंने, और यहाँ पे करूँगा मैं इज इक्वल टू कॉल, ठीक है, और एंटर यूज करूँगा,
देखो ये यहाँ पे जीरो दिखा दिया, क्यों? क्योंकि ये हमने तीसरे सेल पे लगाया हुआ था। यहाँ पे करना होगा तो हमने उसका सेल नेम चेंज करना होगा। जैसे कि हम जाते हैं फिर से उस फॉर्मूले के अंदर और वहाँ पे हम नेम मैनेजर में जाके इस फॉर्मूले को दिखाते हैं, COL वाला हमने लगाया है, इसको हम करेंगे एडिट। और यहाँ पे जो A3 जो ले रखा है, हमने तो B3 लिया था ना, तो अब ये एक आगे भाग गया, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको B3 कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे और क्लोज। आगे ऑटोमेटिक रीड कर लिया। अब इन पे ध्यान मत देना, ये सारे ऑटोमेटिक चेंज होने हैं क्योंकि हमने एक कॉलम और एक्स्ट्रा इंसर्ट कर लिया। आ गया। अब हम इसके साथ वाले में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई भी काउंट इफ इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हमने डाल दी ये कोमा, और COL हम यूज करेंगे। तो देखो अभी इसके सामने वाला ये वाला हाईलाइट कर रहा है ना, और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर यूज करेंगे, तो अब ये उस हिसाब से काउंट करेगा। तो बस ये चीज का आपने खास ध्यान रखना है। और इस फाइल को जब सेव करेंगे तो हम इसको, जैसे हम सेव करेंगे तो देखो ये मैक्रो इनेबल के लिए पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर यस कर देंगे तो ये फाइल अगर आप दोबारा जब ओपन करोगे तो सेम काम नहीं करेगा ये आपका। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा। सेव एज करेंगे माई डॉक्यूमेंट्स में, और फाइल नेम हम यही रख लेते हैं, लेकिन जो फाइल टाइप है इसको हम कर देंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, ठीक है, इसमें सेव कर देंगे। तो अब ये जब भी फाइल को ओपन करेंगे तो एज इट इज यू का यू, अब लास्ट में हमने ये लगाया ना, तो ये ऐसे कैसे काम करेगा। ओके, तो दोस्तों इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।